Hello everyone let's talk about brainstorming this steps involves brainstorming considering purpose and goals for writing using graphic organizers to connect ideas and designing a coherent structure for a writing piece for kindergarten students scribbling and inventing spellings are legitimate stages of writing development the role of drawing a pre-writing tool becomes progressively less important as writers develop. have young students engage in whole-class brainstorming to decide topic on which to write. for students in grades 3 to 5, have them brainstorm individually or in small groups with a specific prompt, such as make a list of important people in your life. ऑनलाइन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स माइट हेल्प अपर एलिमेंट्री स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज़ फॉर स्पेसिफिक राइटिंग जैनर्स ड्यूरिंग द प्री राइटिंग स्टेजेस, ओके सो दिस इज द डेफिनेशन और वी कैन से दिस इज ब्रेन स्टोमिंग ब्रेन स्टोमिंग लेखन के उद्देश्य और लक्ष्य विचारों को जोड़ने के लिए ग्राफिक आयोजकों का उपयोग करना और लेखन के लिए सुसंगत संरचना तैयार करना किंडरगार्टन के छात्रों के लिए स्क्रिप्टिंग और आविष्कृत वर्तनी लेखन विकास के वैध चरण हैं लेखकों के विकसित होने के साथ साथ प्री राइटिंग टूल के रूप में ड्राइंग की भूमिका धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण होती जाती है युवा छात्रों को पूरे क्लास में विचार मंथन करने के लिए कहें ताकि वे तय कर सके कि किस विषय पर चर्चा करनी है लिखने के लिए कक्षा तीन से पाँच के छात्रों के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूह में एक विशिष्ट संकेत के साथ विचार मंथन करने दें जैसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाएं ऑनलाइन ग्राफिक आयोजक उच्च प्राथमिक छात्रों को पूर्व लेखन चरण के दौरान विशिष्ट लेखन शैलियों के लिए अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं तो ये था ब्रेन स्टॉमिंग ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए